हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग सभी डिस्कस करते हैं, क्लास सेवन का मैथ्स है और आर डी शर्मा की बुक्स को हम एनालिसिस करेंगे। आज पूरी तरह से पूरी चैप्टर को, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर नंबर वन है इंटीजर, एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे आज। इससे पहले 3 वीडियो हम भेज चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ पे आप देखेंगे अपलोड किया हुआ है वीडियो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये पूरे तीनों पार्ट पढ़ लेंगे। ये चौथा पार्ट है, ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो हम चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज जो है आपका 1.2 है, कौन सा चैप्टर है, इंटीजर। इंटीजर पढ़ेंगे और देखिए इंटीजर में ना, चैप्टर वन में ना कई एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज 1.1 तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अब उस 1.2 को डिस्कस करने से पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखो, कभी भी अगर हम जब तक कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तब तक हम कैसे कुछ कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से अगर हम कॉन्सेप्ट सिखा देंगे तो सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि डिवीजन करना है, यानी हमें क्या है, हमारा चैप्टर जो है इसके अंदर जो आता है, ठीक है, डिवीजन ऑफ इंटीजर पढ़ना है, ठीक है, डिवीजन ऑफ इंटीजर, डिवीजन ऑफ इंटीजर इस एक्सरसाइज के अंदर है, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर कैसे करेंगे हम लोग, तो अब मैं बताता हूं आपको। जैसे कोई भी इंटीजर है, सपोज कीजिए कि जैसे प्लस जो है 10 है, अब बाय प्लस 2 है, ऐसे रहेगा, यानी 2 से डिवाइड करनी है 10 में, तो ये 10 प्लस भी हो सकता है और ये 2 भी प्लस हो सकता है, तो इसको तो डिवाइड करना बहुत आसान है। ऐसा भी केस आपको आ सकता है कि फॉर एग्जांपल को मैं बता रहा हूँ, ऐसा भी केस आ सकता है कि 10 जो है प्लस में हो जाए और 2 जो है माइनस में हो जाए, ठीक है, ऐसा भी केस हो सकता था, ठीक है, 10 माइनस में हो जाए और 2 जो है प्लस में हो जाए, ठीक है, और ऐसा भी केस हो सकता है कि 10 भी माइनस में और 2 भी माइनस में। देखो ये चार सिचुएशन हो सकता है, या तो ऊपर प्लस नीचे भी प्लस, या ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा, ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस होगा, या दोनों में माइनस हो सकता है। तो उस केस में हम किसी भी चीज़ को कैसे डिवाइड करेंगे, उसको डिवाइड करने का तरीका बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर, अगर यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, इस केस में साथ साथ यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो इस केस में क्या करना है, करना आपको क्या है कि जहाँ भी इस टाइप का जो डिवीजन होगा ना, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे डिवीजन करना है, दोनों प्लस है ना, तो आपको साइन प्लस दे देनी है। जब सेम साइन हो ऊपर नीचे तो प्लस देनी है, क्योंकि रिजल्ट हमेशा प्लस में आएगा, सेम साइन होगा तो रिजल्ट हमेशा प्लस में आएगा। जैसे यहाँ भी सेम साइन है तो रिजल्ट प्लस में देगा, तो हम क्या किए, प्लस दे दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, तो एब्सोल्यूट वैल्यू में हम मॉडुलस लगाएंगे, प्लस 10 का मॉडुलस और डिवाइडेड बाय प्लस 2 का मॉडुलस, ठीक है। अब देखिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है, पहले मैं 5 मिनट बताता हूँ आपको, दो मिनट लगेगा मुश्किल से, ठीक है। देखिए 10 है प्लस में हो चाहे 10 माइनस में हो, इसको बोलते ही मॉडुलस बोलते हैं, दोनों साइड जो लगाते हैं ना, लाइनिंग देते हैं, ये मॉडुलस होता है। ये क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। तो प्लस 10 हो, यानी ये क्या करता है, हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा आपको। जैसे प्लस 10 है ना, उसका अगर एब्सोल्यूट निकालनी है यानी मॉडुलस निकालना है, तो आपको रिजल्ट देना है, देगा प्लस 10, ठीक है। और माइनस भी होगा तो इसका भी रिजल्ट आपका प्लस 10 है, यानी किसी का भी मॉडुलस लगा दीजिएगा ना, तो उसका रिजल्ट आपका प्लस में आएगा, ठीक है। जैसे कोई पूछता है माइनस 2 का मॉडुलस बताइए, तो बस आपको 2 बोल देना है। जैसे माइनस 3 का मॉडुलस बताइए, तो माइनस हो चाहे प्लस हो, रिजल्ट आपका प्लस में आएगा। जैसे माइनस 6 का मॉडुलस निकालना है, तो क्या होगा, माइनस 6 का 6 होगा। जैसे आपको 6 का मॉडुलस निकालना है तो 6 ही होगा। जैसे प्लस 5 का मॉडुलस निकालना है तो 5 होगा। यानी किसी भी चीज़ का अगर मॉडुलस निकालेंगे तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव हो, चाहे वो मॉडुलस के अंदर निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, रिजल्ट आपका पॉजिटिव देगा। तो वही काम करना है हमें यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही काम है हम लोगों का कि प्लस 10 है, यहाँ प्लस 2 है, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ और यहाँ सेम साइन हुआ, प्लस दोनों जगह प्लस हो या दोनों जगह माइनस हो, तो रिजल्ट आपका प्लस में आएगा। और यहाँ प्लस 10 है, इसका एब्सोल्यूट निकालेंगे, प्लस 2 का एब्सोल्यूट निकालेंगे। अब देखिए 10 का मॉडुलस क्या होगा, 10 होगा, और 2 का मॉडुलस क्या होगा, 2 होगा,
और आपका ये प्लस तो प्लस ही हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा तो 5 होगा, यानी प्लस क्या होगा 5 आंसर हो जाएगा, तो हम इसको 5 लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब डिवीजन करना है तो हम देखिए यहाँ पे बेटा साइन सेम है, यहाँ भी साइन सेम है, दोनों जगह निगेटिव ही है, लेकिन दोनों जगह ऊपर नीचे सेम साइन हो जाए, चाहे दोनों निगेटिव हो चाहे दोनों पॉजिटिव हो, तो रिजल्ट आपका हमेशा प्लस में आएगा। तो रिजल्ट आप क्या क्या होगा प्लस में होगा। अब इसका मॉडुलस निकाल लो, -10 अब बाय -2, ठीक है। तो अब देखो रिजल्ट तो आपका पॉजिटिव होगा, अब -10 का मॉडुलस क्या होगा, अभी सिखाएं 10, और 2 का मॉडुलस क्या होगा 2, -2 का। तो अब ये जो है ना, अब 2 से डिवाइड कर देना 10 में, तो 2 5 जा 10, तो ये तो 0 हो गया, तो आपका ये +5 हो गया, यानी आप इसको 5 लिखेंगे, यानी आप 5 आंसर हो गया। तो इस केस में जब दोनों साइन सेम हो तो इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों साइन सेम ना हो तो उस केस में क्या करना है, साइन होता है यहाँ पर जैसे प्लस है तो यहाँ पर उसी तरह से माइनस होगा, ठीक है। इस केस में भी माइनस होगा, इस केस में भी माइनस होगा, जब साइन सेम ना हो तो जैसे ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, यहाँ माइनस है प्लस, साइन सेम होगा, यहाँ पर साइन तो सेम है नहीं, तो रिजल्ट निगेटिव देगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ठीक है। और माइनस दे करके एक लाइन दीजिए, अब बाकी सब वही प्रोसेस है, प्लस इसका एब्सोल्यूट निकालिए, माइनस टू का, तो देखिए माइनस होगा 10 अब बाय क्या होगा 2, और 2 5 जा 10, यानी -5, यानी आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से इसका अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसका निकाल लो, देखो साइन ऑल्टरनेट है तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा माइनस में होगा, फिर -10 का मॉडुलस निकालूंगा अब +2 का मॉडुलस निकालूंगा तो क्या होगा -10 और बाय 2, यानी क्या होगा फिर -5। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके बनाए जाते हैं, तो सेम साइन होगा तो पॉजिटिव, ठीक है, सेम साइन होगा तो पॉजिटिव, ऑल्टरनेट साइन होगा तो नेगेटिव, तो इस तरह से ध्यान रखिए। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया आपको, अब एक्सरसाइज आपको बताएंगे ना तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा RD शर्मा मैथ्स जो है ना, लोग डरते हैं उसको बनाने से, डरना नहीं चाहिए, इससे आपकी जानते फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो RD शर्मा के बुक्स बनाने से काफ़ी अच्छी हो जाएगी, इसीलिए आप इसे डरे नहीं, आप इसको बनाएं। हम पूरी तरह से सीरीज में आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको RD शर्मा के बुक्स में कहीं दिक्कत ना हो। फिर भी अगर दिक्कत होता है तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस जब स्टार्ट होती है तो आप ज़रूर आए और यहाँ ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करके और इंजॉय करें, और साथ साथ जो है अपनी तैयारी को बूस्टअप करें। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 का हम सॉल्व करते हैं, RD शर्मा की बुक्स है मेरे पास, ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि डिवाइड करना है, क्या करना है डिवाइड करना है, जैसे किसको डिवाइड करना, 102 बाय, ठीक है, 70, देखो 102 बाय 70 102 में 17 से डिवाइड करना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले देखो 102 को ऊपर लिखेंगे, इधर वाला जो राइट साइड होता है वो नीचे चला जाएगा तो 17 होगा, यानी इतना में इतना से डिवाइड करना है। अब देखिए ये भी रिजल्ट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस है सेम साइन जब हो जाए तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव होगा, और उसके बाद 102 का एब्सोल्यूट निकालेंगे अब 17 का एब्सोल्यूट निकालेंगे, प्लस प्लस 102 लिख लो, ठीक है, प्लस 17 लिख दो तो क्या होगा प्लस होगा 102 अब बाय क्या होगा 17। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे कहाँ पे, तो यहाँ पे 17 से डिवाइड कर लो 102 का, ठीक है, तो 76 जा 100, ठीक है, 00, यानी कितनी बार में डिवाइड होगी 6 टाइम्स में, तो प्लस 6 लिखने के लिए 6 लिख दो आपको, तो ये हो गई आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसी का सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड है -85 बाय 5, यानी इसको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है बेटा। तो 5 से डिवाइड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे -85 अब बाय 5 लिखूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नहीं पूछा है तो प्लस साइन है, तो अब जब प्लस साइन है तो हम इसको क्या करेंगे, -85 है 5 है तो यहाँ पे लिखूँगा, देखो ऑल्टरनेट जब साइन है यहाँ प्लस है या माइनस है तो रिजल्ट क्या होगा निगेटिव, अब फिर इसका एब्सोल्यूट निकालना है -85 अब बाय +5 इसका एब्सोल्यूट, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा -85 अब भाई क्या होगा 5 हो जाएगा, क्योंकि -85 पे मॉडुलस क्या होगा 85, क्योंकि पॉजिटिव होता है, किसी भी निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव अगर मॉडुलस लग गया तो उसका रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 17 5 जा 85, ठीक है, तो यानी क्या होगा -17 आंसर आ जाएगा। आगे समझ में, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं,
ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, अगर आप मेहनत करेंगे ना बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, खुद जब प्रैक्टिस करेंगे। 161 बाय ठीक है माइनस 23, इसको डिवाइड करना है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस 161 डिवाइडेड बाय माइनस 23। अब देखिए ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस साइन है, निगेटिव साइन है, तो जब सेम साइन हो जाए ऊपर नीचे मिला, मतलब दोनों ऊपर भी नीचे प्लस, ऊपर नीचे भी प्लस, या ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव देगा, प्लस में आएगा। फिर इसको लिखूंगा मैं 161 डिवाइडेड बाय माइनस 23, इसका मॉडुलस, ठीक है। अब ये देखो बेटा कि अब इसका मॉडुलस क्या होगा, प्लस तो लिखूंगा 161 अब बाय 23, अब इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। तो 161 को अगर 23 से डिवाइड करेंगे ना तो आपका रिजल्ट देगा, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 161 को डिवाइड कर रहा हूँ 23 से, ठीक है, तो 7 बार में आपको आ जाएगा, तो ये क्या होगा, प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है, इसमें 0 आ जाएगा, तो इसको प्लस 17 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके 3 क्वेश्चन समझ में आ गया किस तरह कर रहे हैं। नेक्स्ट इसको फटाफट लिख लीजिए, अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं, इस 3 क्वेश्चन, पहला का 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, अब पहला का हम जो है 4th नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। घबराना नहीं है, जैसे अगर घबरा गए ना आप तो समझ लो कि मैथ आपको बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए मैथ्स ऐसी चीज़ है, उसमें प्रैक्टिस मांगता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आसान हो जाएंगे। करियर प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट 100 में 100 मैथ्स में नंबर लाए हैं, आपको नहीं विश्वास है, आप हमारे जब ब्रांच में आएंगे तो उसका रिकॉर्ड मैं दिखाऊंगा, ठीक है, कि यहाँ पे कितने मार्क्स लाते हैं स्टूडेंट। चलिए तो 4th नंबर जो है 76 बाय माइनस 19, अब देखो 76 को माइनस 19 से डिवाइड करना है, तो कुछ नहीं है, 76 लिख दीजिए, माइनस 19 लिख दीजिए। अब देखिए ये ऊपर नहीं कुछ है तो प्लस है, तो प्लस माइनस ऑल्टरनेट हो गया तो रिजल्ट देगा निगेटिव, और 76 अब बाय क्या होगा 19, ठीक है, माइनस में इसका मॉडुलस और ये प्लस है इसका मॉडुलस, तो क्या होगा माइनस 76 बाय 19। अब जो 19 19 फोर जा 76, यानी आपके 4 टाइम्स में कट जाएंगे, यानी कितना होगा माइनस 4 हो जाएगा। आप डिवाइड करके लिखना, 19 से डिवाइड करना इसे, ठीक है, तो माइनस 4। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, 17654, ठीक है, बाय माइनस 17654, ठीक है। अब ये देखो बेटा बहुत आसान है, देखने में ना बड़ी जो बड़ी बड़ी इंटीजर टाइप में रहेंगे ना, अब देखो कितनी बड़ी है 17654 को उससे डिवाइड, तो ऐसे देख कर ना स्टूडेंट घबरा जाते हैं। देखिए जो बड़ी बड़ी इंटीजर के फॉर्मूला है, बड़ी इंटीजर है, तो आपको घबराना नहीं है, उसको सॉल्व करेंगे बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे आसान है, हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, ये वाला तो नीचे चला जाता है, तो 54 आर डिवाइडेड बाय, ठीक है, माइनस आप लिखेंगे माइनस 17654। अब देखिए ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, रिजल्ट आपका निगेटिव में देगा, ठीक है, और 17654 इसका मॉडुलस, और नीचे क्या करूँगा मैं माइनस 17654 इसका मॉडुलस। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव दे देगा, तो 7654 डिवाइडेड बाय 7654, अब क्या होगा ये कट जाएगा, तो ये माइनस 1, यानी इसका रिजल्ट क्या आ गया, माइनस 1 हो गया। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन सब है, ठीक है, आपको बस बनाने की ज़रूरत है। उसी तरह से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है माइनस 729, ठीक है, इसको डिवाइड करना है बाय 27 से, और माइनस 27 से, ठीक है, तो मैं लिखूँगा माइनस 729 बाय माइनस 27। इसको अब देखिए यहाँ पर दोनों ऊपर नीचे दोनों पे क्या हो गया, निगेटिव साइन हो गया, तो जब सेम साइन हो जाता है ऊपर नीचे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो पॉजिटिव आएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो अब हमेशा पॉजिटिव। अब इसका मॉडुलस 729 और मॉडुलस ये माइनस में हो गया, ठीक है, और फिर माइनस 27 इसका मॉडुलस, ठीक है। अब देखिए इसको प्लस 729 बाय 27, तो अब इसको जो है 27 को, ठीक है, और 27 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 होगा, तो ये और ये डिवाइड होगा कितना हो जाएगा आपका प्लस 27, यानी 27 आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन इसमें हो गया फर्स्ट का, नेक्स्ट करते हैं इसमें।
सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी पता चलेगा हर तरह के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो पाएगा। ठीक है, आरडी शर्मा जब कंप्लीट होगा तो फिर हम लोग आर एस अग्रवाल करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी तो आपको खुद से बन जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत आसान बुक है। ठीक है, नेक्स्ट करते बेटा, अब क्वेश्चन नंबर जो है ना, ठीक है, सेवन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है, 21590, ठीक है, बाय -10। अब देखो 21590 को हम -10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, 21590 डिवाइडेड बाय -10 किया। अब देखिए ऊपर नहीं कुछ है तो प्लस साइन है, नीचे माइनस है तो अल्टरनेट हो गया, प्लस और नीचे माइनस हो गया तो अल्टरनेट, तो रिजल्ट आपका क्या होगा, माइनस। फिर इसका मॉडुलस ले लीजिए 21590, ठीक है, और बाय -10 का मॉडुलस ले लीजिए तो क्या होगा, -21, ठीक है, 21590, अब बाय क्या होगा 10, ये जीरो कैंसिल, यानी -2159 आपका इसका क्या हो गया, डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आया। ठीक है, अब दूसरी बात है कि अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये क्या कर रहा है, देखिए जीरो को बाय जीरो बाय, ठीक है, -135, जीरो को -135 से डिवाइड करना है तो बहुत आसान है। तो देखिए जीरो बाय -135, ऊपर नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस है तो रिजल्ट तो ऑल्टरनेट हो गया। ठीक है, तो आप देखिए इतना ध्यान रख लीजिए, ठीक है, इसको मान लीजिए प्लस, ठीक है, तो प्लस हो गया, ठीक है, मॉडुलस जीरो बाय -135 का मॉडुलस, तो ये प्लस हो गया और जीरो का मॉडुलस जीरो और इधर 135, अगर किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड, जीरो में कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपका जीरो होगा, यानी आपका जीरो हो जाएगा रिजल्ट। तो इस तरह से अब देखो बेटा ये आ क्या रहा है, ये जितना भी डिवाइड करने के बाद आता है ये क्वेश्चन्ट आता है, क्या आता है, क्वेश्चन्ट आता है आफ्टर डिवीजन। ठीक है, जिस चीज़ से डिवाइड करते हो वो डिवाइजर है, ठीक है, जिसमें डिवाइड करते हो डिविडेंट है, जो हमारे डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आता है वो क्वेश्चन्ट है, और लास्ट में अभी तक जितने भी हैं सब डिवाइड हो रहे थे, अगर डिवाइड नहीं होता तो कुछ रिमाइंडर बचता। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो कम्प्लीट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है इसका, इस चैप्टर को कंप्लीट ही कर लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत आसान क्वेश्चन सब है, ठीक है, आपको परेशानी भी नहीं होगी। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन इसी का है कि फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसको भरनी है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए सबसे पहला है इसमें 296 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट -148 आएगा, यही है। कह रहा है कि इसमें जो है से क्या चीज़ से डिवाइड करें कि रिजल्ट आपको -148 आ जाएगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो जहाँ पे ये भरनी है वहाँ पे आप एक्स मान लो, क्या मान लो, एक्स। तो अब बताइए इसमें इतना बाय इतना कर लीजिए, तो 296 बाय एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, -148। देखो इसमें ये एक्स से डिवाइड कर दिए तो रिजल्ट क्या आ रहा है, -148, तो -148 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपका, -148 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 296। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, यहाँ से x निकालेंगे, तो x जब निकालेंगे तो ये देखो 1 × 296 हो गया, यानी 296 अब बाय -148 लिखूँगा। ठीक है, और यही x की जो वैल्यू आएगी, इसको अब देखो -142 जा कितना होगा, 142 जा 296 डिवाइड जब करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस, ठीक है, इधर हो जाएगा 2 अब बाय -1, दैट मीन्स -2 आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी यहाँ पे कितनी भरनी है, -2 भरना है। आगे समझ में, जो चीज़ निकालना होगा उस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड है, ठीक है, -88, ठीक है, डिवाइड करना फिर फिल करना है और रिजल्ट आपका 11 है,
तो हम क्या करेंगे अभी, यहाँ पर भर देंगे x। जैसे x भर दिए तो हमारा क्या होगा, माइनस 88 बाय एक्स इजकल टू क्या होगा आपका 11 हो जाएगा। फिर नहीं कुछ है नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या होगा 11x इजकल टू माइनस 88 इंटू 1, ठीक है, और दैट मीन्स माइनस 88, ठीक है। तो x इजकल टू 11x इजकल टू माइनस 88, तो x इजकल टू माइनस 88 अब बाय क्या होगा 11, 11 8 जा यानी कितना होगा माइनस 8, यानी आप यहाँ पर क्या भरोगे तो माइनस 8 भरोगे, ठीक है। बहुत आसान है, जहाँ पे जो चीज़ निकालना वहाँ x रख दीजिए, उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड, सेकेंड का क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। 84 को डिवाइड करना बेटा एक ने, और यहाँ पर दे दिया मैं 12 से, तो जिसको इसमें डिवाइड करना है ना यहाँ इस, अब यहाँ पर तो फाइंड आउट करनी है, आप यहाँ क्या करना है x रख दो। जैसे x रखोगे तो हम क्या करेंगे, इसमें इससे डिवाइड करेंगे, तो 84 बाय एक्स इजकल टू 12 लिखूंगा मैं। अब नहीं कुछ है 12 के नीचे तो 1 ले लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो x इंटू 12, तो 12x इजकल टू 84 इंटू 1 मीन्स 84, तो x इजकल टू यानी 12x इजकल टू 84, इसका मतलब x इजकल टू 84 बाय क्या होगा 12। अब 12 से डिवाइड करना है 84 में, तो 12 जो है 6 जा 12 5 जा कितना होता है 60, और 12 7 जा कितना होगा आपका 84 हो जाएगा, यानी x इजकल टू क्या होगा 7 हो गया, और आपको यहाँ पे जो है ठीक है फिल करना है कितना 7 आंसर। आ गया समझ में, बहुत आसान है क्वेश्चन, ठीक है। आपको देखने से लग रहा है ना ये टफ है, लेकिन बस आप करना स्टार्ट कर दीजिए इसको। नेक्स्ट इसका कंप्लीट कर रहे हैं इसको देखो, बहुत आसान है क्वेश्चन, ठीक है। ये हंसने वाला क्वेश्चन है, देखो बेटा यहाँ पे इसको डिवाइड करना है माइनस 5 से और रिजल्ट है 25। हम आपको क्या बताएं, जहां पर कुछ नहीं है, यहां पर खाली है, डॉटेड है, तो यहां पे आप x भर दो। भर दिया हमने x, अब क्या करेंगे x में इससे डिवाइड करेंगे, कोई दिशा दिया हुआ है, तो x बाय माइनस 5 इजकल टू कितना होगा 25। अभी नहीं है नीचे कुछ तो क्या करो 1 कर दो। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, पहले x वाला लिख देंगे x इंटू 1, तो 1 इंटू x इजकल टू माइनस 5 इंटू 25, तो इधर क्या होगा x इजकल टू माइनस 125 हो गया, यही तो निकालनी थी, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस 125, ठीक है, यही यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन और बचा है, ठीक है, दोनों कर लेते हैं इसको। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर जो है फिफ्थ है आपका डॉट 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 डिवीजन 156 और इजकल टू माइनस 2, और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है डॉट 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 फाइव डिवीजन, ठीक है, 567 इजकल टू माइनस 1, ठीक है। अब देखो बहुत आसान है, अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे x रख देंगे, फिर मैं क्या करूँगा x बाय 156 इजकल टू कितना माइनस 2। अब नहीं है नीचे कुछ तो क्या करूँगा वह 1 रख दूंगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो 1 इंटू एक्स इजकल टू क्या होगा माइनस 2 इंटू 156, तो x इजकल टू कितना होगा, अब इसको मल्टीप्लाई करो 6 टू जा 12, इसको मैंने डिवीजन कर लिया, ठीक है, और इसका 312 माइनस में, यानी यहाँ पे आपको भर देनी है माइनस 312। यहाँ पे भी क्या कीजिए एक्स रख दीजिए, तो एक्स डिवाइडेड बाय कितना 567 इज इक्वल टू माइनस 1, नीचे 1 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ते चले, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 1 इंटू एक्स इजकल टू 1 इंटू 567, ठीक है, तो x इजकल टू क्या होगा 567 आपका, लेकिन रिजल्ट आपका क्या होगा माइनस में होगा, माइनस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया, और एक क्वेश्चन लास्ट का है, इसको फटाफट कर लेते हैं, बस 2 मिनट लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बस ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगी, ठीक है, ये चैप्टर तो कंप्लीट नहीं होगा, एक्सरसाइज कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
स्टेटमेंट ई आर ट्रू, कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, ये आपको खुद से दिमाग लगानी है क्योंकि आपने कर लिया है इस काम, ठीक है। तो देखो, जीरो डिवीजन बाय फोर इज रिजल्ट देगा फोर। सेकेंड क्वेश्चन है, जीरो को डिवाइड किया माइनस सेवन से, ठीक है, तो रिजल्ट आया जीरो। उसके बाद जो है तीसरा है, ठीक है, माइनस फिफ्टीन को डिवाइड किया जीरो से तो रिजल्ट दिया जीरो, ठीक है। फोर में है, ठीक है, जीरो को डिवाइड किया जीरो से, ठीक है, तो रिजल्ट दिया जीरो, ठीक है। और उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, माइनस एट को डिवाइड करोगे, ठीक है, माइनस वन से तो रिजल्ट देगा माइनस एट। और लास्ट को है इसका, माइनस एट को डिवाइड करूंगा मैं माइनस टू से तो रिजल्ट दे देगा आपका फोर। अब इसमें देखना है कौन कौन सा सही है, ठीक है। पहला देखते हैं सही है कि गलत है। देखिए बेटा, किसी भी नंबर में अगर कोई भी नंबर है और उस नंबर से अगर जीरो में डिवाइड करें, ये समझ लीजिए किसी भी जीरो में अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपका जीरो देगा। देखिए इसको जीरो बाय फोर लिखेंगे, अब जीरो बाय फोर लिखेंगे तो कोई भी नंबर से जीरो में डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट जीरो होता है, ये ऑब्वियस है। तो ये पहला आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब इसमें भी देखिए, जीरो में कोई भी नंबर से डिवीजन करेंगे तो भी ये भी क्या होगा, रिजल्ट जीरो देगा, तो आपका ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, ये भी सही है। उसके बाद जो है, ठीक है, अब देखो जैसे टू बाय मैं लिख रहा हूँ यहाँ, अगर टू बाय जीरो है और एक जीरो बाय टू है, इसका मतलब देखिए क्या है, टू एक नंबर है जिस जीरो में हम डिवाइड कर रहे हैं, टू से जीरो को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट तो जीरो देगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे टू बाय जीरो का मतलब होता है ये इन्फिनिटी देगा, इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड है, ये क्या है, ये अनडिफाइंड है, ऐसा चीज ऐसा डिवीजन नहीं होता, अनडिफाइंड है, ठीक है। तो ऐसा मैं अनडिफाइंड ये डिवीजन संभव नहीं है, ठीक है, ये संभव नहीं है। तो बताओ जीरो से डिवीजन, किसी भी डिजिट में जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वह जीरो रिजल्ट नहीं देगा, वह इन्फिनिटी देगा, इसको बेटा बोलते हैं इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इसको यानी एट को ना सुला दोगे ना तो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ये आपका संभव है नहीं, ये भी संभव नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ माइनस एट माइनस वन तो सेम साइन है, तो क्या होगा रिजल्ट, प्लस में होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी यहाँ पे प्लस एट आना चाहिए, जो कि गलत है। अब यहाँ देखिए माइनस एट माइनस टू तो सेम साइन हो गया, रिजल्ट क्या आना चाहिए, प्लस में, और ऑब्वियस है प्लस में है रिजल्ट, यानी आपका कौन सा ही हुआ, फर्स्ट और थर्ड एंड सिक्स क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन नंबर थ्री में सही हुआ, बाकी सब क्या हो गए, फॉल्स हो गए, ठीक है। तो मैं लिखूंगा हैंस फर्स्ट सेकेंड और सिक्स आर ट्रू, यही बस इतना ही ट्रू हुआ। तो इसी में बेटा आपका ना एक्सरसाइज 1.2 जो है आपका आर डी शर्मा का जो चैप्टर इंटीजर चल रहा है, एक चैप्टर वन, ठीक है, ये कंप्लीट कर दिए हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हम फिर जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। और आप इस वीडियो को ना अपने दोस्तों को भी बताओ, दोस्तों से, फ्रेंड से, सबसे आप शेयर करें, और इसमें जो आपको कोई भी अगर दिक्कत आती है, कहीं डाउट्स आते हैं ना, तो आप कमेंट करके बताओ, मैं उस जो कमेंट करेंगे उस पर मैं वीडियो में जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उस चीज़ को मेंशन